पूरा घर छान मारा यार। अरे हाँ, मेरा फोन तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हेलो कर दो जिया, जी आप यहाँ से हेलो करो झाँक के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे, कल है हनुमान जयंती। और कल का बताइएगा क्या प्लान है हम लोग का। है कुछ, मंदिर में जाएंगे हम लोग, और कल बहुत भीड़ रहने वाली है। यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है हनुमान जयंती की, और सबको महावीर जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा भी, मेरी कोई हाउस हेल्प नहीं आ रही है ना, तो मैं हमेशा हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट हो जाता है। तो अभी बज रहे हैं 2:30। मैंने बच्चों की खिचड़ी बना के रखी है। हम लोगों का खाना, हम लोगों ने सुबह उपमा खा लिया था, फिर अभी तक खाना नहीं बना है। तो हम लोग अभी वाटरमेलन खाएंगे, और ठंडा ठंडा एकदम गर्म खाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले जिया को नहला दिया, उसके बाद मैंने घर का काम किया है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, जिसमें राजा ने मुझे काफ़ी हेल्प कर दी। उन्हें जाना था तो अभी थोड़ी देर पहले वो निकले, फिर वापस आए, फिर अभी वो फिर जाएंगे 1-2 घंटे में। और परसों से उनका पूरा फाइनल ये रहेगा कि वो रहेंगे नहीं घर पे, और मेरे पास अभी हेल्प नहीं। मेरी आई थिंक कल से हेल्प आ जाएगी। मेरे बच्चे नहा लिए, दिखा दी, मेरे बच्चे नहा के रेडी हो गए हैं। दिखा देखो, हेलो कर दो, देखो तो बच्चे हो गए मेरे नहा के एकदम रेडी। और ये पता है हर चीज़ स्टार्टर, मैं कितना साफ कर लूँ, इसे मिट्टी खानी है देखो नहीं। और उसको देखा, वाइट दाग हो रहे हैं। मैंने कीड़े की दवाई दी है, पर इसके दाग नहीं गए। मुझे लग रहा है कैल्शियम की कमी हो रही है। तो अभी इन लोगों का खाना डालना है। उसको ना 4 दिन से पूपू भी नहीं हुई, ये कोशिश कर रहा है बैठ के, पर बहुत ही कम सया नहीं हो रहा, मतलब एक तरह से। तो मैंने ये मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है कि उससे थोड़ी हेल्प शायद इसे हो जाए, और ये आज शाम तक कर ले। इसका पेट भी काफ़ी मोटा हो रहा है। अरे मिट्टी खा रहा जोगो, वेरी बैड बॉय। और ये रही मेरी छोटी सी बच्ची, हमारे घर में सबसे पहले ये नहाती है। और इसको मैंने झबला बनाया, इसके मैं कल लेके आई थी। ये बहुत हल्के हल्के कपड़े बना रही हूँ अभी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये रेडी कर दिए मैंने अपने बच्चे, और मार गया, काट जाएगा, वो घूम रहे हैं। कौन होता था ये? येलो कलर का, कहाँ है वो? भी आएगा फिर, अभी इसके पास से गया। मधुमक्खी है, मधुमक्खी काली होती है, ततैया होता है। ततैया बहुत गंदा काटता है, ततैया उनको मजाक सोच रही है। आ जाओ बच्चा, आ चलो खाना खाएंगे। अच्छा ये जिया के मैंने मंगवाया था मीशो से, एकदम हल्के हल्के से, लाइट लाइट ना बेटा। तो पता है यहाँ पे इतना गंदा करते थे लोग, सोफा झाड़ा झाड़ू पोछा सब हो गया मेरा, कुछ भी उठा के खाते हैं, और वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो मेरे को बर्तन लगाने हैं, सूख जाए ना, उसके बाद लगाऊंगी। कौन? तो मैंने कोई ऐसा क्लीन करके सिंक विंक सब साफ करके मतलब पूरा मैंने करके ना, फिर मैंने ब्लॉग शुरू किया। तो हम लोग को डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए निकलना था, बट हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली हम जिन डॉक्टर को दिखाते हैं ना, वो डॉक्टर इंजेक्शन के लिए सही है। डुगू का पूपू वाला केस था जो, वो वहाँ जाके रिजॉल्व नहीं हुआ। हम जब एक और हॉस्पिटल गए कितने टाइम बाद, 8-7 महीने बाद, फिर जाके वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। क्योंकि जब हमने वहाँ से थे उन्हें दवाई पर डाल दिया था, और कोई इतना सीरियस नहीं लेता। यहाँ पर कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो सर्दी खांसी वाले होते हैं, और कुछ तो लेते भी नहीं है बच्चों को। तो उसको जो सिस्ट हो रही है और वो मूव कर रही है, और वो लंप
या सिस्ट, तो वो कोई मार्क नहीं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मैं जिया को थोड़ा लेटाती हूँ ना, फिर दिखाती हूँ। वो आपको मूव होते हुए दिखेगी, इतनी है इतनी। तो मैंने शेल्बी में कॉन्टैक्ट किया, शेल्बी में जिया को BCG का इंजेक्शन लगा था। जिया जहाँ पैदा हुई थी वहीं पर BCG का इंजेक्शन 24 घंटे में लगता है। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन उनसे क्लियर करना चाहती हूँ ये, और ऊपर से वहाँ के जो डॉक्टर हैं और जो पीडियाट्रिशियन है उनसे हमने डुगडू को दिखाया था, डुगू को जब सोनोग्राफी कराई थी। तो एक बार मैं सोच रही हूँ कि उनसे जाके मिल लूँ, तो वो या तो आज रात में मिलेंगे वो कह रहे हैं, या वो कल दिन में मिलेंगे। तो मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं जा रही। एक्चुअली मैं जब जिया की भी तबीयत ख़राब हुई थी, एडमिट हुई थी, उस टाइम पे हम उनसे सेकेंड ओपिनियन लेने गए थे, क्योंकि हमें जिया को वहाँ से थोड़ा निकलवाना था। हम थोड़ा इलाज में सेटिस्फाइड नहीं थे जहाँ से जिया का इलाज हुआ है। वहाँ गए हमने वहाँ पर, और उन्हें पता कुछ नहीं बताया है हमें। उन्हें बोला ठीक है, जहाँ पर एडमिट है वहाँ पर ठीक है। एंड यू विल नॉट बिलीव कि दो मिनट बस उनने बस ये बोला ठीक है, आपने जहाँ पे करवा के रखा है ठीक है। रिपोर्ट तक नहीं देखी उन्होंने, कुछ नहीं देखा, और अपने चार्जेस ले लिए बराबर के जितने लेते हैं वो, 500 देखने के चार्जेस लेते हैं। तब से हमारा थोड़ा सा ना मन उठ गया कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ, हम उनसे इतने रेगुलर वे में कनेक्टेड थे, डुगू के सारे वैक्सीनेशन, जिया के सारे वैक्सीनेशन वहाँ हो रहे थे, इतने ज़्यादा थे कि हम लोग 2-3 साल से वहाँ पर जा रहे थे। बट द वे उनने हमें ट्रीट किया, याद है ना राजा, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए भी राजा कह रहे हैं कि एक बार उनके पास जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर वो बोल देंगे यार ये ऐसा है वो वैसा है। हम लोगों को ना वो वाले डॉक्टर देखने हैं जिसने वो लगाई, तो वो भी रात तक बैठते हैं या कल दिन तक बैठते हैं। मारा इसने मुझे, व्हाई यू मार मी। मम्मा अभी इन दोनों ने इतना तमाशा किया है, इतना तमाशा किया है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे दोनों एक साथ रो रहे हैं। मैं बताऊं एक घंटा हम लोगों का कैसा गया। मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, उससे पहले से लगे हुए थे। मैंने राजा को बोला मुझे 5 मिनट चाहिए, और 5 मिनट भी नहीं दिए। मैंने एक वीडियो की वॉइस ओवर को ऐसे ही छोड़ दिया। माँ नहीं, आपकी माँ बोल रही, पापा बोलो ना तुम। बेटा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यार बच्चों से बहुत डर लगता है पता है आपको मुझे। ठीक है ठीक है, इट्स ओके। इसके पैर की हालत देखिए जरा भाई, देखो ये क्या है, चलो पैर खिला के लाएं। कहाँ से खाला, बहुत खिलाई हो तुम, क्या ये क्या किया, क्यों किया? देखो अपना हाथ देखो, मेरे को तुम्हारी बहुत दिखने लगी है। इसके ना यहाँ BCG जो इंजेक्शन ऊपर लगता है ना, इसको ये यहाँ है, यहाँ ये यहाँ है, पता गलत हाथ दिख रही है। BCG का इंजेक्शन यहाँ लगता है, इसको ना एक सेकेंड ये है ये, तो मेरे को इसलिए इंजेक्शन लगता नहीं कि इंजेक्शन है ये, इसको यहाँ यहाँ। अरे यार ये बैठ ही नहीं। पापा का पापा माँ काऊ काऊ पानी पानी हाँ बेटा तो मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मैंने आप लोगों को बोला कल तक, मेरे को फिर भी थोड़ा मजाक लग रहा था ये, बट अब मैटर सीरियस है। पूरा घर छान मारा यार, डुगू क्या करता है जिया से। हाँ
कालू नाना मेरा फोन था वो गया। कालू कसम तुम्हारी कसम, तुम्हें लग रहा था मिल जाएगा बहुत डरते मेरे को लग रहा। अरे यार मैं क्या करूं, फोन अपने बचा के रखो, ये फोन डालती है, ये क्या करती है सामान निकाल के उसमें डाल देती है यार। सामने जो फ्रंट दिख रहा है ना कूलर का खुला हुआ, मेरे पूरा घर छान मारा, पूरा घर। हाँ मेरा फोन तो बिल्कुल नहीं चलेगा, निकाल पंखी निकालो, चम्मच निकालो, अरे बाहर में जाए सब, ऊपर से निकालो हाथ डाल के। दादा ने मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट दिया था, मैं पता हर जगह अभी हम एक दो घंटे से फोन ढूंढने में लगे थे, मैं उसकी अलमारी चेक करने जा रही थी, मैंने बोला एक बार कूलर चेक करो, मैंने जिया को अपनी कंघी डालते हुए देखा था, और मेरे को कुछ ना कंपनी के काम, मेरा ये फ़ोन पूरा काम का फ़ोन है, आईफोन जो है मेरा वो मैं सिर्फ पर्सनल उसके लिए रखती हूँ, मेरे को पता रोना होना क्योंकि पता नहीं यार फ़ोन से अटैचमेंट बहुत रहती है, इससे इतनी नहीं है पर मेरा बिजनेस नहीं कर, एक मिनट हटो, पापा बात कर रहे, जिया मत कर बेटा मत कर, ये जिया ने ही किया है। नहीं किया पता कर रहे हैं इनका फ्रेंड, मेरे को नहीं लग रहा यार कि स्टार्ट होगा। क्या था मेरी एक कंपनी की डेडलाइन थी, ये फ़ोन रखा रहता है ऐसे, मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे को लगा मिल जाएगा, हमेशा मिल जाता है, कूलर लगा था ये पर 3-4 दिन लगातार पानी में, मेरे को कैमरा चेक करना है, मेरे को पता है कि ये डुगू का नहीं है जिया का काम है, डुगू सामान नहीं डालता, जिया उसमें सामान डाल रही थी और जब पूरा लगा था उसने मेरी कंघी डाली थी, तो मेरे को लगा चलो ठीक है कंघी डाल दी, बच्चा है तो मुझे नहीं मालूम हुआ फ़ोन डुगू रखा है। अरे सुबह लेके जाओगे मुझे कंपनी का काम, अरे कचरा होने 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 वाला है, वो पागल हो खराब हो काम मिल जाएगा, मेरे को सिम दे दो मेरी बस, नहीं सिम भी नहीं होगी काम, मेरे को भी सिम चला गया क्योंकि अंदर पूरा सिम भी काम नहीं करेगी, देखो सिम चाहिए अभी मत निकालना, सिम मेरे पास फोन नहीं है, दूसरा गूगल का है, ए वो का है गूगल वहाँ पड़ा, मेरे को सिम दे दो बस अभी फिलहाल, ये राजा ने मुझे 2019 में करवा चौथ पे गिफ्ट किया था यार, और ये नंबर मेरा बहुत पुराना नंबर है, ये नंबर मेरा 2012 का नंबर है जिससे मेरे बहुत पुराने पुराने लोग कनेक्टेड है, मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, मैं राजा से मजाक में कह दी, हो सकता है कूलर में डाल दिया होगा, ये छुपाता है ना फोन, उसने फोन डाल दिया, फोन ही अंदर गया पूरा, वाट लग गई, नहीं करो क्या सिम सही है, सिम देखना पड़ेगा, और पूरा खुल गया वो पानी के आना, ऊपर कपड़ा, अरे वो इनकी फीडिंग चेयर पे रखा है, क्या फीडिंग चेयर पे, मां मां बेटा।
बेटा रुक जा, तो खाना बना रही हूँ अभी। बा मैंने पिलाया आपको अभी। तो यार पता नहीं है, सिम निकाली, सिम का काम कर रही है, तो मैंने एक बहुत पुराने फोन में डाली है सिम। दाल वापले बनाएंगे, पर मेरा मूड इतना खराब हो गया कि अब मैं चावल बना रही हूँ, मेरा मन नहीं है दाल चावल खाने के। तैयारी करो, उससे पहले मैं फोन देख लेती हूँ क्योंकि कंपनी से बात हुई थी 25 तारीख थी, आज 22 हो गई। तो मैं फोन ढूंढा, हम लोगों ने हर जगह ढूंढा, हर जगह, शायद कोई ऐसा किनारा होगा कि ना ढूंढा। अलमारी मैंने जमाई थी तो वहां भी ढूंढा। बेटा चाबी मुंह में नहीं डालना है, या कोई काट दिया मम्मा, लो ये लो, बच्चों को पता खिलौने नहीं चाहिए। तो ये भी हमने हर जगह ढूंढा, मैंने अलमारियां जमाई थी उसी के आसपास, तो अलमारी के लिए ढूंढा, मतलब अलमारी में भी ढूंढ लिया, हर जगह, कोई जगह नहीं बची थी। जिस टाइम मैंने फिर राजा को बोला एक बार ना तुम ना कूलर चेक करो, और राजा ने मुझसे बोला तुम पागल हो क्या, कूलर में कौन डालेगा। मैंने उनसे कहा कि जिया डाल सकती है, कि इनकेस हम लोग वहाँ पे उस टाइम पे थे नहीं, और उस टाइम तक जब भी फोन गायब हुआ है मेरा 17-18 के बीच में, 2 दिन में हुआ है जब मेरे को मिल नहीं रहा था, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मैंने 17 को यूज़ किया था या 18 को यूज़ किया था फोन, क्योंकि मैं उस फोन को बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने देखा कि 17-18 में कभी यूज़ किया था, तो उस टाइम मुझे नैनी भी आ रही थी, मैंने बोला हो सकता है कि वो काम वाम कर रही हूँ, उन्हें ध्यान ना दिया, क्योंकि मेरा फ़ोन डुगू जिया से छुपाता है, और वो क्या करता है पीछे गद्दियों के सोफे के पीछे डाल देता है, तो मेरा फ़ोन कभी भी ऐसे बहुत ऐसे मिसप्लेस नहीं होता, हमेशा ये होता है कि मिल जाता है मेरा फ़ोन। तो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हद हो गई, थैले से लेकर डुगू से ही पूछ लिया, अगर डुगू को पता होता तो डुगू बता देता है कि अगर उसने एसी का रिमोट कहीं रखा है या कुछ रखा है, वो 4 दिन बाद ही बता देगा। अब मैं से बार बार फ़ोन पूछ रही हूँ, नहीं बता रहा। उसके बाद फिर हम लोगों ने, मैंने बोला वो चेक करो, इतनी देर में शायद मैं यहाँ आई थी कि चलो इनकी वार्डरोब खोलती हूँ, कई बार ये वार्डरोब में डाल देता, मैं भी ये ना बता रहा हूँ मुझे इस बार। राजा ने बोला कि कुछ मेरे को लग रहा है कि है कूलर में, कूलर का पैक खुलता नहीं, मैं खोला नहीं ऐसे कभी, तो मेरे को लगा कि आप मजाक कर रहे होंगे। फिर जब मैंने उनसे कसम वो करी तो तुम्हारी कसम, तुम्हारा फोन पड़ा उसमें। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ बोलने को नहीं बच जाता, क्योंकि अगर राजा ने मेरी कसम खा ली है तो किसी भी हद तक ऐसे नहीं कि कोई प्रैंक करेंगे या कुछ करेंगे, कुछ बढ़ा नहीं। मे भी आप लोग को, कुछ लोगों को लगेगा मैंने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया, रो नहीं या कुछ कुछ कर लिया, यार शायद आपका फ़ोन बच्चे से बढ़ के तो ऑब्वियसली नहीं है, है ना। मेरे को बोले बच्चे से बढ़ के, बच्चे ने कर दिया। हम लोग की लापरवाही हो सकती है कि बच्चे के पास फ़ोन था, हमने उस फ़ोन को तभी की तभी नहीं ढूंढा। और ऐसा होता था कि मेरा फ़ोन नहीं मिलता था ना, तो मैं कभी मेरी जो कंपनी की डेडलाइंस रहती है वो ऐसे 20-25 से ही रहती है हमेशा, तो उससे पहले मैं देख लेती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं उस फ़ोन को। मेरा उसमें एक व्हाट्सएप है, और मेरा जो पुराना नंबर है वो है, कि कभी कभी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं या कुछ हैं वो लोग मिलने वाले हैं या कुछ हो, तो वैसे उस तो मैं उस फोन का से यूज़ करती हूँ, और डुगू कई बार उसे ले लेता है जब मैं ऑन करती हूँ, मैं उस फोन को बहुत ऑन भी नहीं करती ज़्यादा, कि वो एक तरह से गिफ्ट भी था राजा की तरफ से, और बहुत वो था। तो मैंने रिएक्ट ऐसे किया क्योंकि शायद आपका कोई फ़ोन ऐसे मिलेगा ना हालत में, और वो फ़ोन 4-5 साल पुराना है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक अटैचमेंट होती है, या चीज़ों से होती है अटैचमेंट, ऐसा नहीं है मैंने बच्चों को हर्ट नहीं किया, ना ही मैंने कुछ बोला उन्हें, हाँ उनसे हो गया क्योंकि वो छोटे हैं, बच्चे कर देते हैं, ठीक है मेरा नुकसान हुआ है पर ठीक है, कुछ नहीं होता। सिम चल रही है अभी फ़िलहाल ये है, और मेरे सारे अकाउंट्स उसमें, अभी हम लोग को नहीं पता है कि क्या करना पड़ेगा, कि उसमें अकाउंट्स की मतलब जो आपकी कोई नेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ था, और जो सेविंग करंट के सारे ऐप्स होते हैं वो सब उसी में थे, तो वो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स वगैरह के लिए मैं यूज़ करती थी, या मुझे कभी कुछ लेना है। वैसे मैं उसे भी ऐसा था कि पेमेंट्स जो रहती है, जैसे कभी आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया कुछ कर लिया तो उसकी पेमेंट जानी होती है, तो वही था। काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि अब राजा कह रहे हैं कि देखते हैं यार ऐप वगैरह वो करके, कल पर वो दिन में जाएंगे, पहले देखेंगे कि वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर उसमें 5-10 हज़ार का खर्चा है तो हम उसे सही नहीं कराएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि फिर आप 10 हज़ार और मिला के एक नया फ़ोन ले सकते हो, है ना। और मेरे आईफोन में एक ही सिम है, मतलब आईफोन में एक ही सिम डलती है, तो इसमें दूसरी सिम डाल नहीं सकती थी, अदरवाइज़ इसी में होता वो सिम, मैं दूसरा फ़ोन रखती नहीं, मेरे पास ये वो नहीं है, मैं 2 फ़ोन रखती नहीं हूँ, ज़्यादा 2 फ़ोन रखते हैं उनका ख्याल भी रखते हैं, मैं एक ही फ़ोन हमेशा से रखती हूँ तो मैं उसी का ख्याल रखती हूँ। तो बस एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि आईफोन जो है, बेटा ये नहीं पीना है, ख़त्म हो गया, कि जो आईफोन है वो नहीं डाला उसने, और क्योंकि वो मेरे पास नहीं रहता, आईफोन का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, तो वही हुआ। और मे भी मैंने ओवर रिएक्ट किया, या नहीं, या मैंने नहीं लगता कि मैंने ओवर रिएक्ट किया, मुझे पता है कि मैं
ओवररेटेड। बैक टू बैक मेरे ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। राजा की डॉल राजा ने मुझे दी थी एक हवाई डॉल, वो डुबू ने गिरा के तोड़ दी। वो जो रोटेट होती थी एक बड़ी सी डॉल थी वो गोल वाली, जो चीज़ें सालों से रखी हुई थी एक हम लोगों के पास बहुत पुराना आइस बॉक्स रखा था वो गिरा के तोड़ दिया। मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत पर्सनल थी जो कि तोड़ दी गई है इनके हाथों से, इनने कभी फेंका या कुछ किया। तो पीना है आपको लेके आती हूँ। कलेक्शन में एक जगह है जहाँ से चीज़ें जाती हैं। डुगू जब बहुत छोटा था तो जब जिया की उम्र का रहा होगा तब डुगू ने कुछ कुछ फेंका है उसने। मैं इतनी श्योर हूँ, मुझे पता है कि ये काम मेरी जिया का है क्योंकि मैंने जिया को डालते हुए देखा है। मैंने जिया को दो थे, एक तो कंघी मेरी डाली थी, तो राजा कहते तुम कंघी कैसे करोगे, मैंने बोला ठीक है चलो कंघी चलेगी। उस टाइम मैंने रिएक्ट नहीं किया, चलो ठीक है डाल दी बोलना, मेरे सामने डाली थी वो कंघी, हम लोग बैठे हुए थे एकदम से गई थी कंघी डाल दी। फिर उसने एक वो डाला था स्टीकर डाला, फिर थोड़ा सा हम लोग को लगा कि अब ये हर चीज़, चम्मच भी डाल रही थी एक दिन तो हमने चम्मच निकलवाई थी। तो इसने फ़ोन कब कब में डाला है अब वो नहीं पता है मुझे, कैमरा चेक कर रहे थे पर एग्जैक्ट स्लॉट देखना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। तो अभी मैं देखूंगी अगर कहीं देखे जाए मुझे, और बात यह है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करके करूंगी भी क्या यार, इसने डाला उसने डाला मेरा तो गया है। बच्चे देखे कैसे कैसे नुकसान कर देते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलता है कि क्या कर दें बच्चे, आप सोच भी नहीं सकते कि बच्चे क्या नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने ना शहरी वाले डॉक्टर से बात करी, वो अभी 9:30 बजे आने वाले थे। फिर मैंने उनसे बोला हम सुबह या दिन में ही आ जाएंगे क्योंकि ये वाला जो टाइम था वो निकलने वाला टाइम नहीं था हम लोगों का, क्योंकि अभी लेके जाएंगे ना खाना पीना सब लेट हो जाएगा और मैं इनको 8:30-8:30 बजे तक फ्री कर देती हूँ। तो इसीलिए मैं अभी खाना या मैं 9:30 बजे नहीं लेके आऊँगी, तो वो बैठेंगे। पर उन्होंने बोला कि दिन में आ जाना। ये आपको मीठा हो गया ना, बस खत्म कर दिया बेटा। हाँ चाहिए देखो भाग, उसको बैठना नहीं होता है उसको घूमना है। चल मैं खाना बना दूँ, इसको भूख लग रही है, इसको खाना दूँ मैं।